नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले PBKS वर्सेस YMI के बीच की 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स। जैसे कि आप सबको मैंने मैच को हाईलाइट करके दिखा दिया, उस पर क्लिक कर लेनी है। और अगर आपने टीम नहीं बनाई तो नीचे क्रिएटर टीम का ऑप्शन मिल रहा है और माई टीम पर जाके भी आप क्रिएटर टीम कर सकते हैं। और मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा आसान भी है यहाँ पर। तो ऑलरेडी मैं 10 टीम्स यहाँ पे बना के रख चुका हूँ, जिसे मैं एक एक करके माय टीम पर क्लिक करके सभी टीमें आपको प्रीव्यू करके दिखाने वाला हूँ। किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर टीमें बनाना। सबसे पहले तो जितेश शर्मा और ईशान किशन दोनों कीपर को यहाँ पर ले लूँगा। इसके अलावा बैटिंग में रोहित शर्मा, एस सिंह, तिलक वर्मा और एस शर्मा, इस तरह से चारों अच्छे बैट्समैन को मैंने यहाँ पर ले लिया है जो बेस्ट है। लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, सैम कुरन तीन अच्छे ऑलराउंडर भी है मेरे पास। अगर बात करें गेंदबाजी, बुमराह है और अर्षदीप सिंह है, ये भी दोनों अच्छे खासे हैं, तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। कुल मिला के सेफ टीम लग रही है, अच्छी टीम लग रही है। ज़रूर आप इस टीम को यूज़ करना चाहें तो किसी भी लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टीम का कैप्टन मैंने रोहित शर्मा को बनाया और ईशान किशन को वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि दोनों ने लास्ट मैच में मतलब मुझे लग रहा है पिछले एक दो मैच से काफ़ी बढ़िया ओपनिंग दे रही, और हो सकता है ये दोनों कल ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस करें और ये आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, किशन को कैप्टन, रोहित को वाइस कैप्टन, लेकिन रोहित ने शतक बनाया लास्ट मैच में तो इसीलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। इस टीम को क्लोज करते हैं, दूसरी टीम पर चलते हैं। दूसरी टीम में मैं जितेश शर्मा और ईशान किशन को फिर से ले लूँगा। उसके अलावा अगर बैटिंग देखेंगे तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एस सिंह, प्रभसिमरन, तिलक वर्मा और ए शर्मा, इस तरह से छः बल्लेबाज, मतलब कोई भी रन बना ले आपको पॉइंट ज़रूर मिलने वाले। इसकी वजह से मेरे पास दो ही ऑलराउंडर बचे थे, हार्दिक पांड्या और सैम कुरन। मैंने लिविंगस्टोन को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और गेंदबाजी में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, तो वहाँ पर मैंने जसप्रीत बुमराह को ही लूँगा। ऑफकोर्स किसी और को लेना मतलब मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। यहाँ पर अगर लगता है देखते हैं तो ईशान किशन को कैप्टन और सैम कुरन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि सैम कुरन भी एज ए ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे कर सकते हैं और हमें डबल पॉइंट दे सकते हैं, तो आप इनके साथ एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, कुरन को कैप्टन, ईशान किशन को वाइस कैप्टन, लेकिन मैं फिलहाल ईशान किशन को ही कैप्टन रखूँगा क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कुल मिला के ये भी टीम अच्छी है, सेफ ये भी टीम लग रही है, लेकिन सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। इस टीम को भी क्लोज करते हैं। दोस्तों तीसरी टीम पर चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो को तीसरी टीम देखते हैं। यहाँ पर मैंने जॉनी बेरिस्टो, जितेश शर्मा, ईशान किशन, मतलब मैं आपको हर एक वो टीम देना चाहता हूँ दोस्तों जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये भी ऑप्शन चूज़ कर लिया है। हाँ भले ही थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है लेकिन फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा, इस तरह से चार मेरे पास बल्लेबाज रहने वाले हैं। उसके बाद लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या और सैम कुरन, मतलब मेरे पास ऑलराउंडर्स में तीनों ऑप्शन वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अब मैंने फिर से अगर देखें तो सिर्फ कोटजी को रखा है, कोटजी को क्योंकि मैंने बुमराह को पिछले दो टीमों में लिया, कोइट जी को नहीं लिया था, तो इनको भी कहीं ना कहीं लेना जरूरी है, तो इसीलिए इस टीम में ले लूँगा। यहाँ पर अगर देखें तो तिलक वर्मा को कैप्टन बनाऊँगा, ये भी मतलब इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे कि इनको आप एक भी जगह पे कैप्टन या वाइस कैप्टन न बनाए, तो यहाँ पर इसीलिए कैप्टन उनको और लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन बनाऊँगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लिविंगस्टोन को कैप्टन और वर्मा को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टोन एक दो ओवर भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये टीम भी अच्छी खासी लग रही है, आप अपने अनुसार यूज़ कीजिएगा। चौथी टीम पर चलते, इस टीम को बंद करते हैं। चौथी टीम की बात करें तो यहाँ पर जितेश शर्मा को अकेले को ले लूँगा, उसके बाद रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एस सिंह, इस तरह से तीन बल्लेबाज रहेंगे, लिविंगस्टोन, पांड्या और कुरन तीन ऑलराउंडर रहेंगे। और गेंदबाजी देखिए, बुमराह, रबाड़ा, हर्षदीप सिंह, कोएट्ज़े, बेस्ट जो सभी चार फास्ट गेंदबाज है उन सबको मैंने ले लिया, यानी विकेट्स कोई भी ले आपको पॉइंट्स ज़रूर मिलने वाले, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो कुल मिला के अच्छी टीम लग रही है। सैम कुरन को कैप्टन, हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, हार्दिक को कैप्टन और सैम कुरन को वाइस कैप्टन, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो इसीलिए एक ही मुझे यहाँ पर डिफरेंस नज़र आता है कि सैम कुरन की चार ओवर फिक्स होती है करीब करीब, हार्दिक पांडे की फिक्स होती है नहीं, ये फिक्स नहीं होता है।
तो यहाँ पर ये सैम करन को कैप्टन रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। कुल मिला के टीम बहुत ही बढ़िया है, आप ये चाहे तो ज़रूर यूज कर सकते हैं। इस टीम को क्लोज करते हैं, पांचवी टीम पर चलते हैं। पांचवी टीम की बात करूँ तो थोड़ी अलग टीम है। ईशान किशन को अकेले को गेंदबाजी में माफ कीजिएगा कीपिंग में लूँगा। इसके अलावा आपके पास बैटिंग में रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, एस सिंह, टीम डेविड, प्रभसिमरन सिंह और ए शर्मा, मतलब छः बल्लेबाज फिर से रहेंगे, थोड़े हटके रहेंगे, थोड़े रिस्की भी है लेकिन फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या और कूरन फिर से तीनों ऑलराउंडर को मैंने इस टीम में भी रहने दिया। गेंदबाजी में ज़रूर चेंज मैंने कर लिया है, मधवाल को इस टीम में ले लूँगा। मुझे लगता है मधवाल के अगली मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आने ही वाला है, तो मुझे लगता है इसीलिए मैं इनको ज़रूर लूँगा। सूर्य कुमार यादव टीम में हो और उनको कहीं पर भी कैप्टन और वाइस कैप्टन न बना जाए, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं उनको कैप्टन और एस सिंह को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं अभी तक। पिछले एक दो मैचेस में इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर नहीं कहूँगा कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब उल्टा करना चाहिए, ना ही करें तो बेटर रहेगा, इसी तरह से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस टीम को भी क्लोज करते हैं, छठी टीम पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के टीमें बनानी पड़ती है और आपके एक एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पर बैरिस्टर को अकेले को ले रहा हूँ, मतलब मैं सभी ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, सभी को एक एक बार मैंने लिया है, तीनों कीपर को साथ में भी लिया है, तो मैं मतलब आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी हर टीम ज़रूर लीग के लिए ही लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप देख लीजिए आपको कौन सी टीम लगती है, आपको लगता है 10 की 10 अच्छी है तो सभी लगाइए, नहीं भी लगाना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहित शर्मा, एस सिंह, टीम डेविड इस तरह से और प्रभसिमरन, तिलक वर्मा, चार यहाँ पर मेरे पास बल्लेबाज है। उसके बाद मेरे पास लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, कूरन और शेफर्ड, इस तरह से चार ऑलराउंडर इस टीम में ले रहा हूँ। अभी तक एक भी टीम में मैंने चार ऑलराउंडर नहीं लिए थे और गेंदबाजी में फिर से एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं रवाड़ा के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये भी अच्छा खासा लय में आ चुके हैं, तो आप इनके साथ भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन माफ कीजिएगा एज अ गेंदबाज जा सकते हैं। एज अ कैप्टन मैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बनाने जा रहा हूँ, प्रभसिमरन सिंह को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों भी काफ़ी बढ़िया है। हार्दिक पांड्या तो है ही अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रभसिमरन सिंह भी अच्छा है, अच्छे प्लेयर है, ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छी टीम है, ये भी टीम आप यूज़ करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और सातवीं टीम पर चलते हैं, किस तरह से हमने बनाई है। अब सातवीं टीम की बात करूँ तो फिर से अलग टीम, बैरिस्टर और ईशान किशन को साथ में ले लूँगा दोस्तों। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, एस सिंह, टाइडे, तिलक वर्मा और ए शर्मा, इस तरह से मैंने यहाँ पर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया है। कोई भी नहीं सोचेगा दोस्तों, पिछले मैच में शतक किया है, कोई भी नहीं सोचेगा उनको ड्रॉप करने के बारे में, और अगर आप ड्रॉप कर दें और सच में अगर वो फेल हो जाते तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा, आपको होगा। तो इसीलिए एक हाथ टीम में थोड़ा रिस्क लेना ज़रूरी है और थोड़ी उसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। हार्दिक पांड्या अकेले ऑलराउंडर में रहेंगे ताकि मेरे पास गेंदबाजी में तीन ऑप्शन बन सके। यहाँ पर मैंने हर्षल पटेल, रबाड़ा और गोपाल, श्रेयस गोपाल ने भी लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, तो ज़रूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं कुछ टीमों में। कुछ कुछ प्लेयरों को मैं एक दो टीमों में ही ले पाया दोस्तों, जबकि उनको ज़्यादा टीमों में लेना चाहे तो आप ज़रूर ले सकते हैं। जॉनी बेरिस्टो को भी कैप्टन बना दूंगा, तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, आप चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, तिलक वर्मा को कैप्टन और बेरिस्टो को वाइस कैप्टन। बेरिस्टो हालांकि परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क फिर से यहाँ पर लेना होगा, और इनको कैप्टन बनाते हैं और सच में अच्छा परफॉर्मेंस करते तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। कुल मिला के थोड़ी रिस्की टीम है, सोच समझ के यूज कीजिएगा। इस टीम को भी क्लोज करते हैं, आठवीं टीम पर चलते हैं। अब आठवीं टीम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने और भी अलग किया, ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया, बैरिस्टर और जितेश शर्मा को साथ में लिया, मतलब सभी ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ। रोहित शर्मा, एस सिंह, ताइडे और तिलक वर्मा, इस तरह से चार बल्लेबाज है। अब ऑलराउंडर में नबी, लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, सैम कुरन, मतलब यहाँ पर नबी को ले लिया है, मतलब ये भी प्लेयर हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद मधवाल अकेले गेंदबाजी में रहेंगे, आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं और ना करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी टीम है, बहुत ही बढ़िया टीम है ये भी,
और इस टीम का कैप्टन मैंने रोहित शर्मा को बनाया है, शायद मैंने फिर से बनाया, लेकिन रोहित शर्मा का शतक है तो इनको कुछ जगहों पे टीम कैप्टन बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सैम कुरन वाइस कैप्टन रहेंगे, ऑलराउंडर है, इन दोनों को साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना काफ़ी बढ़िया और काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम है, तो ईशान किशन को अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा कोई भी रिस्क यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने रिस्क पे इस टीम को यूज कर सकते हैं। चलिए इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और चलते हैं नौवीं टीम पर, किस तरह से हमने बनाई है। अब नौवीं टीम की अगर बात करूं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जॉनी बेरेस्टो मेरे पास है, इसके अलावा किसी और कीपर को नहीं लूंगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एस सिंह और तिलक वर्मा, इस तरह से चार बल्लेबाज मेरे पास रहने वाले, और यहाँ पर सिर्फ सैम कुरन मेरे पास रहेंगे एज अ ऑलराउंडर। तो कुल मिला के अगर ये हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं एक ही ऑलराउंडर ले, इसका फ़ायदा हमें गेंदबाजी में होगा। हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, कोएडजे, मधवाल और हरप्रीत ब्रार, इस तरह से मेरे पास पांच गेंदबाज रहने वाले हैं जो कि बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो फिर से बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास पांच गेंदबाज है, हर्षल पटेल, रबाडा, कोएडजे, हरप्रीत ब्रार और मधवाल। आप चाहे तो यहाँ पर बुमराह को अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन किसे ड्रॉप करेंगे ये थोड़ा मुश्किल फैसला है। अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन, रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि दोनों हम सबको पता है किस तरह से खेल सकते हैं और किस तरह के फॉर्म में है, तो इसीलिए इन दोनों के साथ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आप जा सकते हैं। सिर्फ इतना कहूँगा कि आप उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर रोहित को कैप्टन और सूर्या को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इस टीम को क्लोज करते हैं, दसवीं और आखिरी टीम देख लेते हैं। दसवीं और आखिरी टीम की बात करूं तो फिर से मैं सिर्फ और सिर्फ जॉनी बेरिस्टो को लूंगा, आप चाहे तो सिर्फ ईशान किशन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एस सिंह और प्रभसिमरत सिंह, इस तरह से मेरे पास चार बल्लेबाज रहने वाले। अब ऑलराउंडर्स की बात करूँ, नबी, लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, शेफर्ड और स्वयं करण, मतलब जितने भी ऑलराउंडर है उन सबको मैंने इस टीम में ले लिया है, हो सकता है फ़ायदेमंद साबित हो जाए। और यहाँ पर गेंदबाजी में मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा हरप्रीत ब्रार का, क्योंकि मुझे लगता है ये भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको ही मैंने लिया है। यहाँ पर देखें तो लिविंगस्टोन को कैप्टन, हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, दोनों बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बैटिंग तो कर ही लेते लेकिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो एक दो ओवर तो कम से कम कर ही लेते, तो यहाँ पर विकेट मिलने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन मैं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप उल्टा करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पर हार्दिक को कैप्टन और लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने पूरी ईमानदारी से 10 अच्छी टीमें देने की पूरी कोशिश की है, कुछ प्लेयरों को मैं कम टीमों में ले पाया हूँ, अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा टीमों में लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर सब्स्टिट्यूट में से किसी को लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पैक्ट पाड़ते हैं, और अगर आप मेरी टीमों में एक दो और चेंजेस करते हैं तो उससे भी आपको कुछ और फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हर कोई अगर सेम टीम लगाएगा तो उसको सभी तो जीत नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर कर दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।